Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the lecture number 8 of the database management system course. Before starting today's lecture, let's have a brief recap of the previous lecture. In the previous lecture, we started the discussion on the entity relationship data model. We studied what are the entity types and what are different types of entity types. We strong entity types or weak entity types. What is the difference between और ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और हमने ये भी पढ़ा कि ई आर ER डाटा मॉडल के अंदर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तफ़ सिम्बल्स कौन कौन से हैं पिछले लेक्चर में हमने एटरीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ा कि एटरीब्यूट्स का मकसद क्या है और वो किस तरह से एंट्री टाइप के साथ लिंक होते हैं इसके अलावा हमने एटरीब्यूट्स की मुख्त टाइप्स भी पढ़ी जिनमें कि हमने पढ़ा था कि सिम्पल एटरीब्यूट्स हैं मल्टी वेल्ड एट्रीब्यूट्स हैं डराइव एट्रीब्यूट्स हैं और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो मेनली फोकस होगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़ डियर स्टूडेंट्स कीज जो है वो डेटाबेस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बरए मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट uh, इस को भी इस नॉलेज को भी आप इस सब्जेक्ट के बेसिक्स में शुमार कीजिए यानी ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में मैं आपसे चाहूंगा कि आप यू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट क्यों इसलिए कि कीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत फ्रीक्वेंटली डाटा बेस के अंदर इस्तेमाल होता है एंड विदाउट हैविंग ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ द कीज़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाटा बेस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली इसलिए काइंडली आज जो हम कीज के बारे में डिस्कशन करेंगे उसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा इसके अलावा हम जो इसके बाद हम रिलेशनशिप का जो टॉपिक है उसको भी टच कर, कर सकते हैं तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ दीज आर द टू मेन कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे कीज एंड वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कीज एंड सेकेंडली वी मे ऑल्सो टच द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स वट इज ए की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या सिग्निफिकेंस है की जो है वो क्यों जरूरी है डाटा के अंदर इसलिए कि जब आप डाटा का अगर पर्पस देखें तो इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस यह है कि आप डाटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस में डाटा को स्टोर करना उसको रिट्रीव करना उस पर डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग करना यह सब शामिल है जब आप स्टोर कर लेते हैं उसके बाद जब आप किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ

उसमें आपको जब आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो एक उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन तमाम रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या आप ये कहें कि कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं देखें एक सूरत हाल तो यह है कि आप तमाम रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई एक्टिविटी कोई ना कोई काम करना चाहते हैं लेकिन एक सूरत हाल यह है कि आप उन तमाम रिकॉर्ड्स में से चाहे वो चंद सौ हो चाहे वो लाखों में हो आप कुछ रिकॉर्ड्स को और कुछ तो क्या यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई ए सिंगल रिकॉर्ड अब बात यह है कि आप उस रिकॉर्ड को जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसका जहरा जो एक नेचुरल तरीका है वो ये है कि आप किसी एट्रीब्यूट जो कि उस रिकॉर्ड में जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसकी वैल्यू के बेस पे आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए यानी यू गिव अ हिंट टू द डीबीएमएस के गिव मी अ रिकॉर्ड दैट कंटेन्स दिस वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के तौर पर अगर आप वाबडा की एग्जाम्पल देखते हैं तो हो सकता है कि केस में आपके पास किसी एक शहर में जब वाबडा के बिलिंग सिस्टम है उसमें हजारों रिकॉर्ड हों, लाखों भी हो सकते हैं अब जब आप बात करते हैं कि आपने अगर बिल जो है वो हर महीने बाद प्रिंट करना है एक एप्लीकेशन एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स इन द डाटा बेस ऑफ दी but there may be some different situations as well. first, and you find out, that there is some mistake in the bill. obviously, you will go to the company and ask them, that there is some mistake in my bill. kindly rectify it. for this rectification, the people there, they will have to access your record in the database. अब ज़ाहिर डाटा बेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो हज़ारों या लाखों की तादाद में मौजूद हैं उसमें से वो किस बेस पे आपका रिकॉर्ड जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें या उसको उस तक पहुँचें या उसको निकालें मिसाल के तौर पर एक तरीका तो ये है कि वो अगर हम उसको मैनुअल कर लें कि जैसे अगर आप मैनुअली देखें तो एक रजिस्टर आप जो है वो उसको पलटना शुरू कर दें कैसे करेंगे आप लाखों रिकॉर्ड हैं दूसरा तरीका ये है मैनुअल सिस्टम में अगर आप देखें कि आपके पास एक इंडेक्स इंडेक्स मेनटेंड है कि इस एरिया के जो बिल है वो फलां रजिस्टर में इसके फला रजिस्टर में बट वैन यू से सेन यू अप्लाई द सेम थिंग टू द कंप्यूटर तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप कंप्यूटर के ज़रिए आपके डाटा बेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको बारी बारी देखना शुरू कर दें ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसमें हज़ारों या लाखों रिकॉर्ड्स हैं दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपसे कहे कि भाई आपका नाम क्या है अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है फ़र्ज़ के आपने कहा कि मेरा नाम जो है वो आफ्ताब अहमद है अब वाबडा जो है वो या जो कंपनी है वो अपने डाटा बेस के अंदर आफ्ताब अहमद के नाम पे एक रिकॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करती है आप महसूस कीजिए कि किसी शहर में या कितने ही लोग जो हैं वो आफ्ताब अहमद के नाम से हो सकते हैं च नाचे क्या होगा कि अगर आप आफ्ताब अहमद के नाम पर ढूंढते हैं तो आपको बेतहाशा रिकॉर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे अगर फ़र्ज करें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एरिया फिक्स कर दूँ कि मैं कहता हूँ कि गड़ी शाहू में आफ्ताब अहमद इस एरिए में मेरा घर है तो यहाँ पे आप ढूंढिए अगर आप गड़ी शाहू में भी आफ्ताब अहमद ढूंढते हैं तो आपको बेतहाशा आफ्ताब अहमद जो है वो मिल जाएंगे तो आपको एक एक रिकॉर्ड फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको आप फिर अपने एड्रेस की बेस पे या किसी बेस पे आइडेंटिफाई कर लें कि आफ्ताब अहमद जो मकान नंबर फलां गली नंबर फलां में रहता है वो बेसिकली ये मेरा घर है ये मेरा रिकॉर्ड है तो वहाँ पर आप जाके ठीक कर सकेंगे इसका मतलब यह है कि ये तो एक सिचुएशन हो गई इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आदमी जो है वो अपने घर का मीटर कटवाना चाहता है वो कहता है कि मैं अब मजीद यहाँ पर नहीं रह रहा या मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो दूसरी सिचुएशन है फ़र्ज करें कि एक जो आदमी है वो अपने मीटर के जो नेचर है पहले वो डोमेस्टिक था और अब उसको कमर्शल अपलिकेशन हो गई है वो उसको चेंज करना चाहता है तो देर कुड भी सो मैनी सिचुएशन इन एवरी इन्वायरमेंट कि जहाँ पर आपको कोई एक खास रिकार्ड या कोई एक खास जो पर्टिकुलर केस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है या इसको आप डेटाबेस की की में यह कहेंगे कि आपको एक खास रिकॉर्ड एक्सेस करना पड़ता है उसके बेस पे जिस जो आप उसको क्राइटेरिया देंगे कंप्यूटर को डेटाबेस को वो किसी भी फील्ड की वैल्यू हो सकती है किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हो सकती है और मैंने आपसे कहा कि जब आप एक बड़े डेटाबेस की बात करते हैं तो जाहिर है कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट पे पर बेस पे अगर आप रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो वैल्यू इसमें तो डुप्लीकेट हो सकती है तो आपको अपने मतलब रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए मुश्किल हो सकती है बहुत टाइम लग सकता है और अगर बड़ा डाटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इस सिचुएशन में की इज द अल्टीमेट सोल्यूशन यानी आप एक ऐसा एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लें ऐसा एट्रीब्यूट फिक्स करें कि जिसके बारे में यह है कि आपको पता है कि अगर हम इस डेटाबेस में इस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप में जितने भी इंस्टेंसिस ऐड कर लें चाहे वो एक हो चाहे वो एक लाख हो चाहे वो दस लाख हो जितने मर्जी भी हम इंस्टेंसिस ऐड कर लें इस एंटिटी टाइप के अंदर दो एंटिटी टाइप के दरमियान दो सॉरी इन एंटिटी इंस्टेंसिस की उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती दोबारा यानी आप ये तय करें कि ये एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू चाहे इस एंटिटी टाइप में जितने भी इंस्टेंसिस आ जाए दो एंटिटी इंस्टेंसेस की इस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती मिसाल के तौर पे अगर आप वापडा केस में मीटर नंबर देख लें अब मीटर नंबर एक ऐसी चीज है कि चाहे इस कंपनी के जितने मर्जी जो है वो लग जाए मीटर्स या इसके जितने मर्जी कस्टमर हो जाएं, कोई भी जो दो कस्टमर्स हैं उनके मीटर नंबर सेम नहीं होंगे इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि अगर फर्ज करें इस कंपनी के जितने मर्जी कस्टमर्स हों अगर आप कस्टमर्स का जो आई डी कार्ड नंबर है इफ़ यू ऑल्सो स्टोर दैट इन द रिकॉर्ड ऑफ योर कस्टमर देन द सिचुएशन इज दैट दई डी कार्ड ऑफ टू पीपल ऑफ टू कस्टमर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक कंपनी दे वुड नेवर बी द सेम यानी हर जो आपका कस्टमर होगा उसका जो आई डी कार्ड नंबर होगा वो यूनिक होगा क्यों क्योंकि ये आई डी कार्ड के साथ बेसिकली डिसाइड किया गया है या उसकी बेसिक फिलोसफी यही है कि वो हर शहरी के लिए इस मुल्क का पाकिस्तान का वो यूनिक होगा इसका मतलब ये होगा कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च ए रिकॉर्ड यूनिकली आपने कहा ना कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं उस एक खास रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहता हूं चाहे आपके पास लाखों ही रिकॉर्ड क्यों ना हो तो फिर आप एक ऐसे एट्रीब्यूट का इंतखा करेंगे कि जिसकी बेस पे यू आर श्योर कि वेन एवर यू अप्लाई द सर्च इन द डी बी एम एस ऑन द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट यू आर नेवर गोइंग टू हैव टू रिकॉर्ड्स मतलब दो से ज़्यादा का या तीन चार दस पंद्रह सौ की तो बात ही अलग है यो नॉट दर इज नो चैंस दैट यू विल गोइंग टू हैव टू रिकॉर्ड हैविंग द सेम वैल्यू इन दैट एटीट्यूट यानी जैसे इसी का केस में अगर आप मीटर नंबर पर सर्च करने की कोशिश करते हैं आप अपना बिल ले गए बिल से ही आपने देख लिया कि मेरा मीटर नंबर ये है अब आप डी बी एम एस से कहते हैं कि इस मीटर नंबर का मुझे रिकॉर्ड दिखा दो इट इज श्योर यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट ए सिंगल रिकॉर्ड अगर मीटर नंबर नहीं भी है फर्ज करें देन यू कैन टेल योर आई डी कार्ड नंबर इफ द आई डी कार्ड नंबर इज स्टोर्ड इन द डाटा बेस दैन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए सिंगल रिकॉर्ड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द की यू हैव टू डिफाइन द की इन एवरी एंटिटी टाइप उसके अंदर होनी चाहिए क्यों अदरवाइज आपको डाटा को प्रोसेस करने में दुशारी पेश आ सकती है डियर स्टूडेंट्स इसमें एक बात खास तौर पर याद रखिएगा यू नेवर क्रिएट एन एंटिटी टाइप परहैप्स नेवर इज नॉट दैट करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू नॉट क्रिएट एन एंटिटी टाइप मोस्ट ऑफ़ द टाइम इट एग्जिस्ट देयर देयर मीन्स इन द सिस्टम द सिस्टम दैट यू आर डिवेलपिंग इट इज देयर सो एज एन एज सिस्टम डिवेल्पर सिस्टम डिजाइनर दिस इज योर जॉब टू आइडेंटिफाई दैट एट्रीब्यूट ओके, दिस एट्रीब्यूट इज गोइंग टू वर्क एज एज ए की इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें से एक ये भी एक्टिविटी शामिल है कि आप एक एंटिटी टाइप के अंदर उसकी की या उसके की एट्रीब्यूट डिफाइन करें एडेंटिफाई करें जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेज में इट एग्जिस्ट देयर बट इन इन समेरी रेयर केसेस ऐसा होता है कि उसकी जो की है इज नॉट देयर तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है उसमें बाद जब ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू फोर्सफुली इंक्लूड एन एट्रीब्यूट इन टू दी टाइप दैट विल वर्क एज ए की अदरवाइज जो आपका की एट्रीब्यूट है इट सर्व टू परपजेस कौन कौन से पहला पर्पज तो यह है कि इट इट एक्सप्रेसिस इट रिप्रेजेंट्स द इन्फॉर्मेशन दैट इट स्टोर इन इट्स वैल्यू एक बात तो ये, ये, ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये वो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा है कि जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर का मीटर नंबर क्या है इट इट सेल्फ इज एन इन्फॉर्मेशन ठीक है एक तो ये हो गया दूसरी बात यह कि इट इज ऑल्सो सर्विंग ए सेकेंड परपज क्या कि इट इज बीग यूज एज ए मीन्स टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्राम द इंस्टेंसिस ऑफ दैट एनिटाइप तो इसका मतलब यह हो गया कि की का जो पर्पजेज हैं दे आर टू फोल्ड आई होप अब तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि की जो है वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसको हम कैसे या किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं आप को जो है मुख्तु तरह की जो कीज हैं उनसे वास्ता पड़ेगा उनके आप नाम सुनेंगे उनको इस्तेमाल करेंगे उनको डिफाइन करेंगे तो इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर यूज ऑफ दिस थिंग्स यू मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग वट दे आर एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम ठीक है तो आइए चलते हैं कि हम देखते हैं कि कीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं सुपर की कैंडिडेट की प्राइमरी की और उसके अलावा सेकेंडरी एंड ऑल्टरनेट कीज इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि ये क्या हैं और इनकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये आपके लिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स का डाटा है और इसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं इसमें अगर आप जो एट्रीब्यूट देख रहे हैं उसमें आ, कुल पांच एट्रीब्यूट हैं जिसमें से स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट नेम है एड्रेस है क्लास नेम है और करंट सेमेस्टर है इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसमें स्टूडेंट्स के आई लिखे हुए हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्स्ट उसको रिकॉर्ड को देखें तो एस वन ज़ीरो टू जीरो इज़ द स्टूडेंट आई ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट उसका नाम जो है वो सुहेल डार है उसका एड्रेस जो है वो है डर से मरीढ़ हसन क्लास नेम उसकी एम है और सेमेस्टर उसका फोर्थ है अब इस तरह से तमाम रिकॉर्ड आपके सामने नज़र आ रहे हैं अब अगर आप इस तमाम डाटा को देखें तो की एट्रीब्यूट की ये क्वालिटी होगी कि इस तरह के इसमें जितने मर्जी रिकॉर्ड आ जाएं वो डुप्लीकेट नहीं होगा यानी किसी भी दो रिकॉर्ड्स में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी अब देखें एक बात जहन रखिएगा कि आपने जो की के बारे में डिसाइड करना है वो की के बारे में डिसाइड करेंगे आप आफ्टर एनालाइजिंग द सिस्टम या आफ्टर डिस्कसिंग द सिस्टम विद द पीपल हु आर रनिंग द दिस्टम यानी मिसाल के तौर पर इससे आपके सामने डाटा नज़र आ रहा है इसमें अगर आप गौर करें तो आपको जो स्टूडेंट आईडी है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब आपको यूनिक नज़र आ रही हैं यानी किसी भी दो रिकॉर्ड्स में स्टूडेंट आईडी की जो वो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं हो रही इसी तरह अगर आप स्टूडेंट नेम को भी देखें तो इसमें भी जो इस वक्त यहाँ रिकॉर्ड लिखे हुए हैं इनमें किसी भी दो स्टूडेंट का जो नाम है वो सेम नहीं है इससे हमें ये गलत फहमी या ये गलत कॉन्सेप्ट हर गिर हर गर्ज नहीं बिठा लेना चाहिए कि जो स्टूडेंट नेम है दैट कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ की यानी हम स्टूडेंट नेम के बेस के ऊपर भी इस जो एस्टेंसिस हैं स्टूडेंट के इनमें से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो की का डिसीशन है वो होता है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि इसको अगर आप ये कह देते हैं कि हम स्टूडेंट में हमें जो पांच रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो रहा तो लस्ट डिक्लेयर द स्टूडेंट नेम एज की अगर आप ऐसा करते हैं तो बेसिकली आप वहां पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि नन ऑफ द टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम नेम यानी आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट का सेम नाम नहीं हो सकता अगर ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और फ़र्ज़ करें अगर ये यूनिवर्सिटी को किसी इंस्टीट्यूट को uh, को रिप्रेजेंट कर रहा है फ़र्ज़ करें वहाँ पे सात सौ हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार लोग हैं तो अगर आप स्टूडेंट नेम को यू uh, डिक्लेयर एज अ की इसका मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर दो स्टूडेंट का सेम नेम नहीं हो सकता और है के ये इतनी एक अनरियलिस्टिक और अन रिजनेबल एजम्पशन है कि जो जाहिर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती इवन आप यू कैन हैव द सेम नेम ऑफ़ टू पीपल इन द सेम हाउस इन टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्टेंसेस को देख के ये मत डिसाइड कीजिए कि इसकी ये की है कुड बी द की लेकिन आप जब तक उस एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते जब तक आप उसको समझ नहीं लेते उस वक्त तक शू शुड नॉट डिक्लेयर एनी एट्रीब्यूट एज द की आई होप कि आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी तो आइए चलते हैं अब अगली स्लाइड के ऊपर सिंपल और कंपोजिट की अब यहां से की uh, की जो मुख्तु टाइप्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं और माइंड माइंडेड जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट डायमेंशन से हैं एक तरफ से जो उसकी टाइप बनती है सिंपल और कंपोजिट और दूसरी साइड से वो पहली वो सारी जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन उनसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाना चाहिए सिंपल और कंपोजिट की में फर्क यह है कि ऐसी की जो कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है यानी उसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखी है स्टूडेंट आई की तो ये अगर हम इसको डिक्लेयर करें एज की और इफ़ इट कैन बी डिक्लेयर एज की इन एनी सिस्टम इन एनी एनवायरमेंट तो उस केस में हम कहेंगे कि यह कैसी की है बिकॉज इट कैन अ सिंपल एट्रीब्यूट दैट इज वाइट से सिंपल की लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द की कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट नो द की कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट एज वेल कैसे क्यों जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट यानी अगर किसी एक जगह पे सिंगल uh, एट्रीब्यूट की uh, पे आपकी की आइडेंटिफाई नहीं हो रही या उसमें सिंपल की अगर नहीं है तो अब आप यह कहेंगे कि भी ठीक है इसका मतलब यह है कि कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि जिस अकेले की वैल्यू जो है वो तमाम रिकॉर्ड में पॉसिबली यूनिक हो तो फिर आप यह करेंगे कि लेट्स सी कि वट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ कमाइनिंग टू डिफरेंट एट्रीब्यूट एंड लेट्स हैव ए की इसका मतलब यह है कि वो दो एट्रीब्यूट अगर मिला लें तो शर्त वही है कि जितने मर्जी रिकॉर्ड एंटर कर लें उस एंटिटी uh, टाइप के मुताबिक जितने मर्जी स्ट्रेसिस हो जाएं उस एंटिटी टाइप के दो रिकॉर्ड्स में उनकी वाली सेम नहीं होगी यानी की का जो बेसिक क्राइटेरिया वो सेम है कि जो भी एट्रीब्यूट आप डिक्लेयर करें कि दिस इज की तो जितने मर्जी उसके बाद फिर स्ट्रेसिस आ जाए उस एट्रीब्यूट की या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट जैसे कि आप सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है इसके अलावा यह है कि अगर जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि एक एंट्री टाइप के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि इसकी वैल्यू जो है वो तमाम यूनिक होगी तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यू डिक्लेयर ए कंपोजिट की जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हमने कि प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एम है बी है बी है बी है एम है तो अब अगर आप देखें कि अगर हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा है तो इसमें अगर हम ये डिक्लेयर करें कि हमारा जो प्रोग्राम कोड है दैट शुड बी द की तो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए कि एक प्रोग्राम के अंदर यू आर ऑफरिंग मल्टीपल कोर्सेस इसी तरह अगर आप देखें अगर आप कहें कि लेट्स डिक्लेयर कोर्स कोड एज की ट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि जो सेम कोर्स कोड है वह हो सकता है कि डिफरेंट प्रोग्राम में ऑफर हो रहा हो तो यहां से फिर आप एक चीज ऑब्वियसली uh, समझ सकते हैं कि अगर हम प्रोग्राम कोड को और कोर्स कोड को दोनों को मिला दें अगर यानी विशे दीप फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री टाइप इज ए कंपोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम कोड एंड द कोर्स कोड इसका मतलब यह होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर यह कोर्स ऑफर हो रहे हैं जाहिर है कि नेचुरल सी बात है कि एक प्रोग्राम के अंदर आप एक जो कोर्स है वो दो दफ़ा ऑफर नहीं कर सकते जाहिर है कि एक प्रोग्राम में एक कोर्स एक ही दफ़ा ऑफर होता है इसका मतलब है कि आप एक प्रोग्राम में जितने मर्जी कोर्सेज ऑफर कर दें। यानी एम में आप फर्ज़ करें कि पंद्रह बीस जो है मुख्तु कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इसी तरह बी में मुख्तफ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं बी में एम बी ए में बी बी ए में बी आई टी में ऑल आर दीज डिफरेंट प्रोग्राम्स और इन सब के अंदर मुख्तु जो है वो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनके कोर्स हैं जो आप उनको मिलाएंगे लाइक एम सी एस एंड डी एस मीन इसका मतलब है कि एम सी एस का प्रोग्राम डाटा स्ट्रक्चर फिर आपने कहा एम सी एस डाटा बेस सिस्टम डी बी एस तो एम सी एस डी बी एस एक रिकॉर्ड हो गया अब देखिए एम सी एस जो है इसकी वैल्यू जो है वो दो दफा आई है एम सी एस डाटा स्ट्रक्चर एम सी एस डी बी एस द थिंग इज कि आपने जो कोर्स जो प्रोग्राम कोड है यू हैवन डिक्लेयर दैट एज की इसलिए अगर आप यहां एमसीएस की वैल्यू दो दफा दो आ भी गई है दैट इज नॉट वायोलेटिंग द कंडीशन ऑफ द की क्योंकि आपकी की जो है वो क्या है वो है प्रोग्राम कोड एंड द कोर्स कोड और ज्वाइंट लाइन की वैल्यू क्या बनती है वो बनती है एम सी एस एंड डीएस यानी एम सी एस में डाटा स्ट्रक्चर एंड एमसीएस में डेटाबेस सिस्टम आप फर्ज करें कि इसी तरह से जो डाटाबेस सिस्टम है दैट इज ऑल्सो ऑफर्ड इन एम बी ए तो उसमें क्या होगा होगा एम बी एंड डीबीएस नॉट द थिंग इज के डीबीएस भी दो दफा आ गया बट दिंग मुख्त प्रोग्राम में आया है. तो फिर इस कंपोजिट की ब्यूटी की की यह है कि एज अ होल जो वैल्यू है कि जो दोनों एट्रीट्यूट से मिलकर बनती है वो वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी इसका मतलब है कि फर्ज करें आपके पास इस टेबल के अंदर बीशो रिकॉर्ड भी हो जाए वेन एवर यू से बीसीएस एंड एनडब्ल्यू मीज नेटवर्क you're always going to get a single record. That is the use of key, and that is the beauty of the concept. Super key. This is the first type of key that we're going to study. Super key key, It is the same as of key that we just studied, Jani, an attribute or set of attributes that are used to identify a record uniquely. मिसाल के तौर पे अगर आप बात की आ, करें किसी एम्प्लॉय के एंटिटी टाइप की उसमें जो एम्प्लॉय आईडी है दैट कैन बी यूज्ड एज सुपर की इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आ, किसी स्टूडेंट की उस उसमें स्टूडेंट आईडी जो है वो इट कैन वर्क एज ए सुपर की इसी तरह जैसे हमने पीछे पहले बात की थी आ, किसी एक कोर्स ऑफरिंग की उसमें प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड दोनों मिलके जो हैं दे आर वर्किंग एज ए कंपोजिट एंड वी कैन आल्सो कॉल इट ए सुपर की लेकिन अब सुपर की के बारे में जो खास बात है उसका आपको जो अंदाज़ा होगा वो जो आपको क्लियर होगी वो अगली स्लाइड की एग्जाम्पल से होगी आइए आगे, आगे देखते हैं अब सुपर की के बारे में कहा गया है कि ऐसे एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो के कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इसमें हमने जैसे पहले बात की थी कि जो स्टूडेंट आई है इट कैन बी यूज एज अ की लेकिन अगर आप थोड़ी सी इस पर अगर गौर करें तो एक बात आपको और समझ आएगी कि अगर हम ये कह दें कि स्टूडेंट आई से वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूजिंग द स्टूडेंट आई एंड स्टूडेंट नेम यानी अगर आप जाते हैं अपने किसी एयर ट्रैवल की टिकट को कंफर्म करने जाते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इफ़ यू जस्ट टेल हिम और हर द योर टिकट नंबर और जो कंप्यूटर नंबर दैट वुड बी सफिशेंट लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर नंबर जो है वो ये है और मेरा नाम ये है तो यूजिंग दीज टू ज्वाइंटली योर कैन ऑल्सो भी आइडेंटिफाइड आप कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर नंबर तो ये है मेरा नाम और मेरा एड्रेस ये है या मेरा फोन नंबर ये है तो अगेन रिकॉर्ड कैन भी एट्रीब्यूट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक सुपर की है फर्ज करें आपने उनमें से कहा था कि आपका जो टिकट नंबर है या इस जॉब के सामने स्क्रीन है इसमें अगर आप स्टूडेंट आई की बात करते हैं तो स्टूडेंट आई जो है वो आपकी सुपर की है लेकिन सुपर की की डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम सुपर की के साथ और एट्रीब्यूट भी अटैच कर दें एडिशनल एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी डोंट नीड देम बट स्टिल एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न आपने उसके साथ जब एक एट्रीब्यूट और मिला दिया दैट वुड स्टिल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इसका मतलब है कि वो भी सुपर की है इसका मतलब है कि आप जो आपके सामने रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं इसके अंदर आप बहुत सी सुपर कीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं यानी जो आपका स्टूडेंट आईडी है जिसको अगर हम कहें कि वो हमारे लिए रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अगर हम उसके साथ एक दो तीन चार या सारे के सारे एट्रीब्यूट अटैच कर दें ऑल ऑफ देम दे वुड बी सुपर की तो आई होप कि होपो समझ आ गया होगा कि एक सुपर की के साथ अगर हम और एट्रीब्यूट अटैच कर दें एंड बेसिकली सम ऑफ समेम कुड बी एडिशनल तो वो स्टिल दे वुड बी द सुपर की आइए देखते हैं कि की, की दूसरी टाइप जो है वो क्या है अब यहाँ पर देखिए कि जो ये बात है इसको आप समझने की कोशिश करें जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप सुपर की के साथ और एट्रीब्यूट भी अटैच कर देते हैं तो वो भी आपकी सुपर कीज बन जाएंगे इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक सुपर की है और बाकी कुछ और एट्रीब्यूट हैं तो आपको एक एट्रीब्यूट शामिल करें वो एक और सुपर की बन जाएगी और तो शामिल करें एक और बन जाएगी तो इस तरह से आप बाय एडिंग मोर एट्रीब्यूट्स विद द सुपर की यू कैन हैव सम मोर सुपर कीज आइए आगे चलते हैं इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने कैंडिडेट की की डेफिनेशन आ रही है इसको भी आपको अच्छी तरह समझना है ए कैंडिडेट की इज अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इट माइट हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट की एक ऐसी सुपर की होगी कि जिसका जिसमें कोई एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं होंगे जैसे मैंने आपसे कहा था कि सुपर की तो ऐसी की है कि आप आ, जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं उनके अलावा आप जितने भी एट्रीब्यूट ऐड करते रहे वो तमाम के तमाम मुख्त्य सुपर कीज बनती रहेंगी लेकिन जो कैंडिडेट की है वो ऐसी होगी कि जिसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होंगे यानी कि वो मिनिमम आपकी आ, सुपर की होगी यानी इसको एक और तरीके से आगे भी डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज इट सेल्फ ए सुपर की यानी अब आपकी आप ऐसी सुपर की चाहे वो एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल यानी सिंपल हो चाहे वो कंपोजिट हो लेकिन बात ये है कि वो मिनिमम होनी चाहिए यानी जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया सुपर की और वो ऐसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं एक हैं मल्टीपल हैं कि जिसमें से अगर आप एक भी एट्रीब्यूट निकाल दें तो फिर वो सुपर की ना रहे दोबारा अगर आपकी जो एक की है एक सुपर की है अगर वो मुश्तमिल है एक एट्रीब्यूट पे तो दिस इज बाय डिफॉल्ट ए कैंडिडेट की इसी बात को मैं दोबारा दोहराता हूं दोहराता हूं कि अगर आपके पास एक ऐसी सुपर की है जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है तो जाहिर है इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है कि जो कि की बने यानी आप यह कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई फालतू एट्रीब्यूट नहीं है तो फिर यह डेफिनेटली एक कैंडिडेट की है फर्ज करें कि आपके पास एक सुपर की ऐसी है कि जिसमें दो या बास केसेस में तीन या चार भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं फर्ज करें दो एट्रीब्यूट हैं यानी दो एट्रीब्यूट मिलकर हमने ये कहा कि वो रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक सुपर की है अब अगर हम उनमें से एक भी एट्रीब्यूट काम कर दें दोनों में से कोई एक भी काम कर दें तो वो सुपर की ना रहे यानी वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काबिल ना रहे जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दी थी प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड की अब वो ऑफरिंग एक हमारे पास एंटिटी टाइप है उसके अंदर जो आपके पास आ, आ, बन रही है सुपर की वो ये दोनों एट्रीब्यूट मिलकर बन रहे हैं अब अगर आप देखें फर्ज करें हम इसमें से निकाल देते हैं आ, कोर्स कोड तो इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा प्रोग्राम कोड अब सिर्फ प्रोग्राम कोड के बेसिस पे आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या आप यूं कह लें कि जो सिर्फ प्रोग्राम कोड है दैट इज़ नॉट ए सुपर की यानी आपके पास ऐसे कई रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें जो प्रोग्राम कोड है उसकी वैल्यू रिपीट हो रही होगी मिसाल के तौर पे एम जो है आपको कई रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे बी सी के कई रिकॉर्ड मिल जाएंगे इसी तरीके से अगर आप फर्ज़ करें जो हमने कहा था कि प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड इनमें से अगर आप प्रोग्राम कोड को की में से निकाल लें आप कहें कि सिर्फ कोर्स कोड जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन यू कैन नॉट इसलिए कि वो आपको कोर्स uh, कोड के जो रिकॉर्ड है वो कई दफा सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी यानी जैसे हमने कहा था कि डाटा स्ट्रक्चर्स है डी DS है आई डी एस आई ऑफर हो रहा है एम में भी और बी में भी इसका मतलब है कि सिर्फ अगर आप डीएस की वैल्यू देखें तो इट इज अपेयरिंग इन मोर देन वन रिकॉर्ड्स इसका मतलब है कि सिर्फ इसकी वैल्यू के बेस पे आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो जो हमारी सुपर की बनती है उन केस में वो बनती है दोनों मिलके प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड अब चूंकि ये कम से कम सुपर की है इससे कम पॉसिबल नहीं है तो इसको हम जो है वो कैंडिडेट की भी कहेंगे लेकिन फर्ज करें हम कहते हैं कि प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड हमने ये दो एट्रीब्यूट कहे और फर्ज करें इसी एंटिटी टाइप के अंदर एक के, एक और एट्रीब्यूट था जिसमें हम कहते हैं कि मार्क्स एलोकेटेड यानी इस प्रोग्राम में जब ये कोर्स ऑफर किया तो इसके कुल cool मार्क्स कितने थे अब हम जो मार्क्स एलोकेटेड थे उसको भी अगर शामिल कर लें एज पार्ट ऑफ दिस की प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड तो अब ये तीनों मिलकर भी सुपर की तो हैं बट जो इफ यू कंसिडर दिस सुपर की देर इज एन एडिशनल एट्रीब्यूट कि जिसको अगर हम निकाल भी दें तो इस सुपर की जो कि प्रोग्राम कोड कोर्स कोड और मार्क्स एलोकेटेड से मिल बनती है इन तीनों में से अगर हम एक एट्रीब्यूट निकाल भी दें यानी कि जो मार्क्स एलोकेटेड है फिर भी जो बाकी दो एट्रीब्यूट्स बचते हैं वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी हैं या वो सुपर की हैं इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये ऐसी सुपर की थी जिसमें कोई एक एडिशनल एट्रीब्यूट भी था या इस सुपर की का जो सबसेट है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था इसका मतलब ये होगा कि जो ये सुपर की है दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की दोबारा एक बात दोहराऊंगा कि अगर किसी सुपर की में एक सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये पक्की बात है कि वो एक कैंडिडेट की है क्योंकि उससे आप को एट्रीब्यूट अगर निकाल लें तो फिर पीछे जो चीज बचती है उसके की होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसलिए सुपर की कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट इज डेफिनेटली ए कैंडिडेट की आइए आगे चलते हैं प्राइमरी की ए प्राइमरी की इज द मेन और द चोजन कैंडिडेट की फ्रॉम द पॉसिबल सेट ऑफ कैंडिडेट कीज दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर एंटिटी आइडेंटिफिकेशन यहाँ से आपको एक बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि वी कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन ए इन एन एंटिटी टाइप जिस तरह से हमने कहा था कि सुपर की के साथ कोई भी एट्रीब्यूट एड करते जाए मुख्तु उनके कम्बिनेशन uh, बनाते चले जाएं वी आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर सुपर कीज लेकिन जो कैंडिडेट कीज हैं ऑल दो वो ऐसे तो जनरेट नहीं होती जैसा कि मैं कह रहा हूं लेकिन जो डाटा आपका जो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं एक एंटिटी टाइप के अंदर उनकी नेचर ऐसी हो सकती है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ जो है कैंडिडेट कीज हैं यानी अगर आप स्टूडेंट की एग्जाम्पल देख लें तो स्टूडेंट आई जो है वो हमारे पास है एक कैंडिडेट की अगर फर्ज करें इसी स्टूडेंट एंटिटी टाइप के अंदर वी हैव ऑल्सो स्टोर्ड एन एट्रीब्यूट नेशनल आई डी कार्ड नंबर उसके इसमें जाहिर है कि जब हम इस एट्रब्यूट के अंदर एक वैल्यू डालेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो वैल्यू डलेगी वो भी यूनिक होगी आप जितने मर्जी रिकॉर्ड्स डाल लें स्टूडेंट के अंदर तो वो जो है उन तमाम के अंदर जो वैल्यू होगी इस एट्रीब्यूट की वो यूनिक होगी इसका मतलब यह है कि यू कैन यूज द नेशनल आई डी कार्ड नंबर ऑल्सो टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स और चूंकि ये मिनिमल है यानी इससे छोटी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड पे मुश्तमिल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी कैंडिडेट की है इसका मतलब यह हुआ कि इन द स्टूडेंट एंटिटी टाइप वी हैव गॉट टू डिफरेंट कैंडिडेट कीज इसी तरह हमारे पास किसी भी एंटिटी uh, टाइप में दो से ज्यादा भी कैंडिडेट uh, की हो सकती हैं ऑल दो इतना फ्रीक्वेंटली तो यह नहीं होता लेकिन इसके स्टिल थेटिकली इट इज पॉसिबल कि यू हैव मोर देन टू थ्री और फोर कैंडिडेट कीज इन एन एंटिटी टाइप अब उनमें से आप जिसको चुनते हैं एज ए एज ए की जिसको डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा इस एंटिटी टाइप के लिए एज की तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी की एक बात याद रखिएगा कि वेन एवर वी यूज द टर्म की वी मीन बाय इट द प्राइमरी की तो अब अगर तो किसी एक टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कैंडिडेट की है तो जाहिर है वी हैव नो अदर चॉइस के वी विल डिक्लेयर दैट कैंडिडेट की एज प्राइमरी की तो ये सिचुएशन सिंपल है बट इफ यू गॉट मोर देन वन कैंडिडेट की दो है तीन है चार है तो उस केस में जिस एक को हम सिलेक्ट करेंगे डिक्लेयर करेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी यूज एज की दैट शुड बी कॉल्ड द प्राइमरी की अब उसमें यह है कि सवाल यह पैदा होता है कि हम किस को डिक्लेयर करें एज कैंडिडेट की दिस इज ए टेक्निकल एंड समाइम सब्जेक्टिव डिसीजन एज वेल कि आपके पास दो तीन कैंडिडेट कीज़ हैं उनमें से आप अगर आप किसी से पूछें कि इनमें से आप किस को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट पीपल मे ऑफ फॉर डिफरेंट कैंडिडेट कीज़ और वो जाहिर है कि जब हम कैंडिडेट की जो है उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग तो सब डिसीजन ठीक हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको हमें मुंतखब करना चाहिए एज प्राइमरी की उसके मुख्तफ जो ना वो उसके क्राइटेरिया उसका मुख्तफ मिसाल के तौर पर आप ये देखेंगे कि ऐसी कैंडिडेट की जो कि साइज में छोटी है साइज में छोटी से मतलब यह है कि दैट हैज लेस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अगर कोई लेट्स से कि हमारे पास दो कैंडिडेट कीज़ हैं, जिनमें से एक में एक सिंगल एट्रीब्यूट है एक में दो या तीन एट्रीब्यूट हैं। तो एक जो क्राइटेरियन हो सकता है वो यह है कि आप जिसमें सिंगल एट्रीब्यूट है उसको आप यूज कर लें एज प्राइमरी की क्यों इसलिए कि जब आपने कल को वो वैल्यू टाइप करनी होगी लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सर्च फॉर द सर्चिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो यूजर विल फाइंड इट इजी टू एंटर द वैल्यू फॉर वन एट्रीब्यूट रदर फॉर टू एट्रीब्यूट माइंड इट यूज आप दोनों कर सकते हैं दोनों से ही होंगी लेकिन एक जो उसका क्राइटेरियन है वो ये हो सकता है कि जिसमें सिंगल एट्रीब्यूट है वो आप यूज कर लें एज प्राइमरी की इसके अलावा फर्स्ट वी गॉट टू कैंडिडेट कीज एंड बोथ आर लेट्स से सिंपल एट्रीब्यूट या सिंगल एट्रीब्यूट कीज है आपके पास कैंडिडेट कीज उस केस में जिसकी वैल्यू को याद रखना आसान है जिसकी वैल्यू जो है वो लेंथ में छोटी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज प्राइमरी की तो अब ये मुख्तफ डिसीशन है या एक और चीज ये हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पास दो या तीन कैंडिडेट कीज हैं लेकिन कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वहाँ के जो यूज़र्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलर हैं कि वो उनको इजीली याद कर सकते हैं या उनको जनरली इस्तेमाल करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में जो आपका नेशनल आई कार्ड नंबर है वो मौजूद तो है But the people using the system, people familiar with the system, they do not generally use the national ID card number for the unique identification. Rather, uh, they are more familiar with the um, employee ID that is used in the organization, that is organization specific. So, then you will prefer to use this type of attribute as the primary key. So, you a sequence. Bhi aapko ye ban jana chahiye, ke aapke paas first concept is of the super key. And obviously, uh, if uh, uh, the super key is not, ऑल ऑफ योर एंटी टाइप यानी अगर एक सुपर की उस एंटी टाइप के तमाम ही एट्रीब्यूट बिल्कुल सुपर की नहीं बन रहे तो फिर इसका मतलब यह मल्टीपल सुपर की तो बाई डेफिनेशन एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की बट नॉट द अदर वे राउंड ठीक है और इसी को अगर आप आगे लेके चलेन एवरी प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की लेकिन अगर आप कैंडिडेट कीज को देखें तो उनमें से कोई एक जो है दैट विल बी डिक्लेयर एज प्राइमरी की तो हर प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की है हर कैंडिडेट की जो है वो सुपर की है बट नॉट द अदर वे अराउंड आइए आगे चलते हैं इसकी एक और खास बात यह है कि जिसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे वो ये है कि जो प्राइमरी की है उसकी एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती सा। लेकिन साथ ही जो इसमें दूसरी बात लिखी हुई है जो प्राइमरी की है वो नल भी नहीं हो सकती नल को भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम फर्दर आगे जाकर डिफाइन करेंगे बट फॉर नॉ यू थिंक ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट एज नल दैट इज डिक्लेयर एज नॉट डिफाइंड नॉट गिवन यानी जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू आप एंटर नहीं करते या डिफाइंड नहीं है यू कैन थिंक द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट एज नल और एक बात याद रखिएगा कि नल जो है जिस एट्रीब्यूट को आपने डिक्लेयर किया हुआ एज न्यूमेरिक एज नंबर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि एज है सैलरी है ये एट्रीब्यूट आपके क्या है न्यूमेरिक टाइप के हैं या इनका डोमेन जो है वो न्यूमेरिक या नंबर होगा आप कंसिडर करें डेट को डर से हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये तमाम जो, है, जो हैं जो आपके एट्रीब्यूट टाइप्स हैं इनका जो डोमेन होगा वो डेट होगा आप कहते हैं नेम है फादर नेम है एड्रेस है ये ऐसी एट्रीब्यूट हैं कि जिनका डोमेन जो है वो टेक्स्ट होगा अब जो नल है वो इन सब के केस में मतलब यही होगा कि नॉट डिफाइंड लेकिन अगर एक फर्ज करें कि नंबर हमारे पास डोमेन है किसी एट्रीब्यूट का जैसे हमारे पास से वेट है किसी बंदे का वजन कितना है उसमें अगर आपने जीरो लिखा हुआ है जीरो डज नॉट मीन नल माइंड इट उस जीरो इज ए डेफिनेट वैल्यू जीरो का जब जीरो कोई चीज है तो उसका एक खास मतलब है जो चीज़ को आप नल कहते हैं उसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड नॉट गिवन लेकिन जीरो तो खास वैल्यू है एक इसलिए आपने जीरो को या फर्ज करें एक सिंगल स्पेस है स्ट्रिंग के केस में उसको आप खास वैल्यू समझेंगे नल का हमेशा मतलब ये होगा समथिंग दैट इज नॉट डिफाइंड नॉट गिवन डियर स्टूडेंट्स नल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप मजीद आगे भी पढ़ेंगे अभी जो आपको इसको थोड़ा ब्रीफली मैंने आपको डिस्कस किया नल के बारे में उसके बताने का मकसद ये है कि आप जिसको डिक्लेयर कर देते हैं एज प्राइमरी की वो प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू नहीं ले सकती इसका क्या मतलब है कि बाय डेफिनेशन कंस्टेंट क्या आ गया प्राइमरी uh, की पे इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड साथ ही एक और कॉन्स्टेंट आ गया कि ये नल भी नहीं हो सकता इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप जब एक एंटिटी इंस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एक खास एंटिटी टाइप के एक एंटिटी इंस्टेंस को तो उसमें प्राइमरी की के अंदर आपको एक खास वैल्यू देनी पड़ेगी यू कैन नॉट से ओके दिस इज एन एंटिटी इंस्टेंस आई डू नॉट हैव एट दिस मोमेंट द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की बट आई डेफिनेटली हैव गॉट द वैल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट दिस इज नॉट पॉसिबल यू विल हैव टू एंटर द वैल्यू वैलिड वैल्यू लीगल वैल्यू फॉर द प्राइमरी की अब वैल्य लीगल से क्या बनाता है उसमें से पहली बात तो वही कंस्टेंट है जो कि जनरली हर एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाता है कि एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यू ओनली आउट ऑफ इट्स अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को नंबर डिक्लेयर कर दिया है तो पक्की बात है कि इसमें सिर्फ नंबर ही जाएंगे अगर आपने किसी को एज उसका डोमेन एज डेट डिक्लेयर कर दिया है तो यह भी पक्की बात है कि उस एट्रीब्यूट की जब वैल्यू एंटर करेंगे तो उसमें सिर्फ डेट जाएगी तो एक कंस्टेंट तो यह हो गया कि एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यू ओनली फॉर्म इट्स बात होगी तो प्राइमरी की भी सेकेंड क्या होगा यू मस्ट एंटर इट्स वैल्यू और तीसरी बात क्या होगी यू कैन नॉट एंटर द नल इंटू द प्राइमरी की और माइंड इट अगर आपकी प्राइमरी की जो है इट इज ए कंपोजिट की इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी प्राइमरी की में दो तीन या चार एट्रीब्यूट शामिल हैं तो उनमें से कोई सा भी एट्रीब्यूट नल नहीं ले सकता सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं तो हम ये कहें कि हम दोनों को इकट्ठा नल तो नहीं देंगे लेकिन हम किसी एक को नल एक वक्त में दे देते हैं मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड अब जो दोनों मिलकर फर्ज कि हमने डिक्लेयर दम एज द प्राइमरी की तो उस केस में यह होगा कि आप ना तो प्रोग्राम कोड को नल दे सकते हैं और ना ही कोर्स कोड को दोनों को लाजमी तौर पे हर एंटिटी इंस्टेंस के अंदर आपको एक लीगल वैल्यू देनी पड़ेगी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी की के चलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक कैंडिडेट टाइप के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं अब उनमें से किसी एक को डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिफरेंट के ऊपर यू सिलेक्टेड ए पर्टिकुलर कैंडिडेट की एज द प्राइमरी की रेस्ट ऑफ दैम दे विल बी कंसिडर्ड एज दल्टरनेट कीज तो यहां से यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन टाइप ऑफ की एंड दैट इज कॉल्ड दल्टरनेट की द द कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी कीट की ऐसी कि जिसके बेसिस पे यू कैन ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई दर यह है यू कैन स्टिल यूज इट टू यूनिकली आइडेंटिफाई दर कॉर्स तो ये एक और टाइप होगी आपकी आल्टरनेट की आपके सामने जो इस वक्त डाटा नजर आ रहा है जो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं वो हमारे पिछले जो हम एग्जांपल्स में देख चुके हैं वही दोबारा दिखा रहा हूँ इसमें अगर आप देखें कि हमने कहा कि एक हमारी जो कैंडिडेट की है वो है स्टूडेंट आईडी ठीक है दूसरी कैंडिडेट की जो कि हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं ओबियसली बाई डिस्कसिंग इट विद द यूजर्स ऑफ दिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट नेम और जो एड्रेस है ये दोनों मिलके भी एक कैंडिडेट की हैं फिर वही बात कि यू डू नॉट डिक्लेयर एट सींग द एंड इंस्टेंसेस बिकॉज द यूनिकनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ सम इंस्टेंसेस कुड बी जस्ट बाय चांस तो आपको फ्यूचर में हर तरह का डाटा जो है वो आ, इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए और की या यूनिकनेस आप तभी डिक्लेयर करें इफ इट इज कंफर्म फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द सिस्टम अब यहां हमने कहा कि दो कैंडिडेट कीज हैं स्टूडेंट है ID, एक और स्टूडेंट नेम और एड्रेस मिलके आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस को जब हम डिक्लेयर करते हैं के दोनों कैंडिडेट की हैं इससे हम क्या इम्प्लीकेशन जो है वो सपोज कर रहे हैं या इसकी क्या इम्प्लीकेशन है इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि एक ही घर से जब हम कहते हैं कि एड्रेस इफ एड्रेस इज रिप्रेजेंटिंग द होम एड्रेस ऑफ स्टूडेंट तो एक घर से दो स्टूडेंट एक ही नाम के नहीं आ सकते अब देखें अगेन जाहिर है कि अब लॉजिकली कहेंगे कि जी एक घर में दो लोग कैसे हो सकते हैं एक ही नाम के लट uh, से दो भाइयों के या दो कजन्स के एक घर में जो है वो uh, इमरान अब्बास अगर एक बच्चा है घर में या फ़र्द है तो उसी नाम का दूसरा वहाँ पर आदमी नहीं होगा लेकिन आप जब डाटा बेस डिज़ाइन कर रहे हैं इफ़ यू आर मेकिंग सच डिसीशन डिक्लेयरिंग समथिंग एज कैंडिडेट की तो आपको तमाम पॉसिबल स्नैरियो सोच लेने चाहिए देखिए मिसाल के तौर पे अगर एक घर है उसके दो पोर्शंस हैं और उसमें दो मुख्तफ फैमिलीज रहती हैं अगर हम ये कहें कि उसका घर का एड्रेस तो एक ही है चूंकि एड्रेस तो एक पोर्शन दो है उसमें फिर यह कि हो सकता है कि उसमें दो डिफरेंट फैमिलीज रह रही हों हों और उन दोनों फैमिलीज में एक ही नाम के दो बच्चे या दो लोग या दो बच्चे या या लोग नौजवान हों और वो दोनों हमारे इसी इंस्टीट्यूट में एक ही क्लास में पढ़ने आ जाएं। अब इसमें हैं तो बहुत सारे इफ्स बट द थिंग इज दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन रियल लाइफ तो फिर आपके जो, जो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है एंड योर डिजाइन डेटा बेस डिवेलप डाटा बेस इज नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन इसका मतलब है कि आपका जो डिजाइन था वो गलत था खराब था और वो आपका जो डाटा बेस सिस्टम है जो आपने डेवलप किया था दैट फेल्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए यानी अगर फर्ज करें आपने डिक्लेयर कर दिया है कि स्टूडेंट नेम और एड्रेस है वो मिलकर कैंडिडेट की हैं तो फिर आपके जहन में यह होना चाहिए कि ठीक है अगर ये सिचुएशन भी आ गई कि घर के दो पोर्शन है वहां से सेम नाम के दो बंदे ए की जगह पढ़ने आगे है तो हम फिर ये करेंगे कि हम उन पोर्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाउस नंबर दिस स्ट्रीट नंबर दिस दिस एरिया पोर्शन ए एंड द सेम वैल्यू फॉर और यहां से पोर्शन पोर्शन बी के बेस पे यू मेक दोज एड्रेस एज डिफरेंट फिर ये पॉसिबल है अदरवाइज इफ यू थिंक सेम थिंग उस केस में फिर यहां पर आपको जो रिजाइन है वो फेल हो जाएगा कि आप इस सिचुएशन को वहां पर हैंडल नहीं कर पा रहे तो हम अपनी एग्जाम्पल से यू कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो कैंडिडेट हो गई अब इनमें से आप जिस एक को डेयर कर लें एज प्राइमरी की मिसाल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट आईडी को देखें एक तो हैवी सिंपल एट्रीब्यूट यानी सिंपल की है एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है और दूसरी बात यह है कि ये साइज़ में छोटी है तो टाइप करने में आसानी है इसी तरह साइज़ में छोटी है तो याद करने में आसानी है लेकिन अगर आप स्टूडेंट नेम को और एड्रेस को मिलकर डिक्लेयर करते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं एज प्राइमरी की है तो वो कैंडिडेट की लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं एज प्राइमरी की उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ये दो एट्रीब्यूट्स हैं इनको टाइप करना याद करना इस रिलेटिवली हार्ड है इसलिए आप मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में दिस इज लॉजिकल के यू सेलेक्ट द स्टूडेंट आई डी एज द प्राइमरी की नाउ स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस ज्वाइंटली बींग द कैंडिडेट की अब उसको हम कहेंगे दिस इज एन आल्टरनेट की तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि uh, इसमें प्राइमरी की uh, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की में क्या फर्क है और ऑब्वियसली मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जितनी बेतहाशा सुपर कीज पॉसिबल हैं वो तो आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं यानी स्टूडेंट आई डी डेफिनेटली सुपर की स्टूडेंट नेम और एड्रेस मिल के सुपर की येस डेफिनेटली लेकिन स्टूडेंट आई डी और स्टूडेंट नेम दोनों मिलकर दे आर सुपर की बट नॉट द कैंडिडेट की जब कैंडिडेट की नहीं है तो जाहिर है कि इट कैन नॉट बी प्राइमरी की और ना ही अल्टरनेट की इसी तरीके से जो स्टूडेंट आईडी है और क्लास नेम है दे आर डेफिनेटली द सुपर की बट दे आर नॉट द कैंडिडेट की और जब कैंडिडेट की हैं तो सवाल ही पता नहीं है तो सवाल ही पता नहीं होता कि इट कैन बी ए प्राइमरी की आपको स्क्रीन पर मुख्तफी नजर आ रहे हैं आई होप कि आपको ये डिफरेंट टाइप की जो कीज हैं वो इसे क्लियर हो गई होंगी इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि दो बातें जिस पर डिस्कस की गई हैं पहली बात है कि नीट फॉर की और आई होप कि अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि की की जो सेंस है जो लॉजिक वो यही है कि अगर आपके पास कुछ इंस्टेंसेस हैं कुछ से मुराद है चाहे वो दस हों बीस हों या वो हजारों लाखों में हों उन तमाम में से आप किसी एक रिकॉर्ड को अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो आप उसमें से उसको आइडेंटिफाई कर सकें अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो हम की की आखिरी टाइप जो कि इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी की सेकेंडरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनके बेसिस पे आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस तो करते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो आपको एक्सेस मिले वो यूनिक मिले यानी इसका मतलब ये है कि आपको जो की है आपकी चाहे वो कैंडिडेट की हो चाहे वो प्राइमरी की हो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं बट ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट अवेलेबल या ये कहेंगे दे आर नॉट पॉपुलर फॉर द एक्सेस पर्पजेज मिसाल के तौर पर अगर आप अपने एयर टिकटिंग की एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑल दो यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नंबर एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द टिकट नंबर बट दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड मे बी ए कॉमन मैन कैन नॉट रिमेंबर बोथ ऑफ दैम तो उस केस में या उसे इस वक्त याद नहीं गुम हो गए तो उस केस में ऑब्वियसली नेम इज समथिंग कि जिसके बेस पे वो कहेगा कि जी मेरा नाम ये है तो मुझे आप बताइए कि मेरी टिकट कन्फर्म है कि नहीं है अब ऑब्वियसली व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस द रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ नेम तो वो आपको यूनिक तो नहीं मिलेगा तो उसको नरडा यू कर सकते हैं कि जी मेरी जो फ्लाइट है वो लट से के पिंडी से लाहौर है तो इससे आप एक और क्राइटेरिया मिल जाएगा आपको कि आपने कहा कि नेम ये है वाहिद और फ्लाइट आपकी है पिंडी से लाहौर उस केस में क्या होगा कि आप ये दोनों जब चीज़ें, चीज़ें मिला लेंगे तो हो सकता है कि उस फ्लाइट में आपको दो तीन लोग मिल जाए तो अब आप फर्दर आप डिस्क्रिप्शन दे जो भी ऑपरेटर है वो आपको कहेगा कि अब्दुल वाहिद क्या सन ऑफ ये क्या फादर नेम ये है आपका या ये है उससे फिर आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं तो सेकेंडरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है कि जिसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस तो करते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जवाब आए वो यूनिक भी हो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को समप करूंगा आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाटा का जिसको हमने कहना चाहिए कि कीज़ है उनको डिस्कस किया है और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो आपके नोट्स हैं या आपकी बुक्स हैं उनसे इनको बार बार पढ़ें और जो किताबों में मुख्त एग्जाम्पल दी हुई हैं उनको देखें और इन मुख्तफ टाइप की कीज़ को समझने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर द डिफ्रेंस बिटवीन दैम ताकि जब आपसे कहा जाए कैंडिडेट की तो लाइक अ फ्लैश यू गेट द होल कॉन्सेप्ट आपसे कहा जाए प्राइमरी की तो फौरन आपको बात समझ आ जाए कि प्राइमरी की क्या चीज है और इस पे क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं इससे आगे जो डिस्कशन uh, है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जारी रखेंगे उस वक्त तक आप चाहूंगा अल्लाह हाफिज